Hello everyone. Hello guys. This is Khemendra, as you know me, and I am your educator in your Unacademy GATE channel. So firstly, I like to welcome you, all of you, in your Unacademy GATE channel. And it's been a very nice कि आप जिस तरीके से हमसे गौरतलब करते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं सारी चीजों को. एंड कंट्रोल सिस्टम चल रहा था गाइस, एंड व्हाट वी आर डूइंग इन दिस कंट्रोल सिस्टम पॉइंट, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट अ लिटिल बिट. एंड इन द एंड ऑफ दिस इन दिस सेशन आई विल इन्फॉर्म यू समथिंग, वन इज अ गुड न्यूज एंड वन इज अ बैड न्यूज. ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल कोऑपरेट विद मी. एंड बहुत सारी चीजें हैं जो भी हो रही है संस्थान में, एंड आई विल लेट यू नो अबाउट ऑल दोस थिंग्स. ओके ओके, तो चलते हैं आगे की तरफ. आगे की तरफ चलते हैं तो फिर, हाँ ठीक है. तो दिस इज आवर कंट्रोल सिस्टम व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन पास्ट वन मंथ, एंड वी हैव डन अ ग्रेट जॉब. वी हैव लर्न अंटिल द टाइम डोमेन एनालिसिस, वी हैव कंप्लीटेड दैट थिंग. वी हैव अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल एनालिसिस, वी हैव कंप्लीटेड दैट थिंग. ऑल्सो हमने ट्रांसफर फंक्शन समझा है, हमने बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम समझा है. तो एग्जामिनेशन में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आज मैं क्वेश्चन टच करने वाला हूँ पोर्शन, वही बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है. और फिर उसके बाद आज ही उसको एंड भी करेंगे, कोशिश करेंगे आज ही वो एंड भी हो जाए. आज शुरू करेंगे, थोड़ा सा फिर उसमें एक्सटेंशन लाएंगे. काफी सारी चीजें मेन कॉन्सेप्ट में आज डिस्कस करने ही वाला हूँ. ओके, सो मेन चीज क्या है कि आप लोग अच्छे से सीखे, अच्छे से पढ़े. एंड यू ऑल नो वॉट वी हैव अंडरस्टूड इन पास्ट वन मंथ, एंड आप अच्छे से उस पर ध्यान रखिए. एक बार जरा आप डिस्कस कर लेते हैं. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट जॉइन मी विद इन दिस टेलीग्राम लिंक. दिस इज माय टेलीग्राम लिंक, एंड यू कैन जॉइन मी हियर. ओके, दिस इज व्हाट एन एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन डज. आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ टाइम, बिकॉज टुडे आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज ओनली. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज माई कोड इज खेम लाइव. आगे अच्छे से लिख दूंगा. दिस इज द अनअकैडमी किस तरीके से करना है, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से लेते हैं. यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं आप लोग. सो यू कैन यू डू ऑल दीज थिंग्स, यू नो ऑल दीज थिंग्स. आई एम अ फैकल्टी ऑफ गेट एंड ESE. यू कैन टेक एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन इफ यू वॉन्ट टू लर्न विथ मी. ओके, नेक्स्ट थिंग, दिस इज माई code came live. If you are taking any subscription in the Unacademy Plus portal, you will get 10% discount. Okay, this is the same page structure for SSC JEE examination. If you want to take, you can take it. Thank you so much. And now we will study our main topic today, the steady state, the stability analysis. The most important point here is the stability analysis. Why I am coming too fast? Because I have certain announcement to make. क्योंकि आज मैं काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ आपको, और मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने आगे वाला पोर्शन जल्दी जल्दी स्किप कर दिया है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ. काफी सारे नए प्लान्स बने हैं जिसका हम पार्ट बन रहे हैं, एंड उन सब प्लान्स के बारे में भी और काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपसे आज. बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम लोग काफी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने वाले हैं फ्यूचर में, और उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया टीम है, और जो टीम है वो साथ में काम करने वाली है. एंड आई वॉन्ट कि आप लोग हमारा सहयोग दें, हमारा सहयोग दें काफी अच्छे से. हम उसको साथ में काम करने वाले हैं. जल्दी जल्दी से मैं ये स्टेबिलिटी एनालिसिस शुरू कर रहा हूँ. In the end of this video, I will tell you a good news and a bad news. So please stay with me. Okay. So what is the stability analysis does? Stability analysis में क्या होता है? देखो. क्या कहानी? जल्दी से पढ़ाने का काम शुरू कर रहा हूँ मैं. इसीलिए देखो, stability किसी भी system की मैं निकाल सकता हूँ. Most importantly, I can find stability of any system with the help of stability can be find with the help of transfer function.
मैंने पहली कहानी जब मैंने ट्रांसफर फंक्शन की बताई थी तो मैंने यही बोला था, स्टेबिलिटी कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अब देखो एक चीज शायद मैंने बताई थी आपको, एक बार जरा ध्यान दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज व्हाट, योर इंपल्स रेस्पॉन्स, योर इंपल्स रेस्पॉन्स। आपके पास इंपल्स रेस्पॉन्स आ गया, ट्रांसफर फंक्शन से आपका इंपल्स रेस्पॉन्स आ सकता है, इंपल्स रेस्पॉन्स ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। इफ दिस इज इंपल्स रेस्पॉन्स, इफ फॉर एलटीआई कॉमा कैजुअल कॉजल सिस्टम, फॉर इम्पल्स और एल टी आई कॉजल सिस्टम के लिए मेरा, अगर मेरा पूरा इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी किसका, मेरे इम्पल्स रेस्पॉन्स का डी टी इज लेस देन यूनिटी है, इज लेस देन यूनिटी है, सो दिस इज माई कंडीशन फॉर अ स्टेबल सिस्टम। This is a condition of my stable system. अब आप बोलोगे सर ये क्या बता गए आप, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा, अभी समझाते हैं, देखो next slide में देखो। तो stable system वो होगा जिसका integration zero से infinity उसके function की value less than infinity होगी, मतलब अगर उसकी integration zero to infinity impulse response dt, सपोज करो एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, एक बार आई फाइनाइट वैल्यू, एक बार आई इंक्रीजिंग वैल्यू, इंक्रीजिंग वैल्यू आ सकती है और एक बार आई डिक्रीजिंग वैल्यू, ये तीन ऑप्शंस हो सकते हैं इस फंक्शन के आने के, एक ये और एक ये। अब इस तीनों चीजों में अलग अलग उसकी वैल्यू हो सकती है, अब कैसे समझोगे इस चीज को, फाइनाइट वैल्यू कब आएगी, इधर देखो, जब ये मेरा प्लॉट है, टाइम है ये, अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो ये फाइनाइट वैल्यू देगा, इसका एरिया है, एक फाइनाइट वैल्यू देगा मुझे। अब देखो इंक्रीजिंग वैल्यू कैसे आएगी, This area is increasing. It is increasing. ठीक है, अब देखो ये decreasing कब आएगी, This area is decreasing. So this decreasing area is my stable system. This increasing area is my unstable system. This is what we needed to know कि मेरा stable कौन सा होगा और मेरा unstable कौन सा होगा। जब अब यही तो मैंने यहाँ पीछे लिखा था, less than infinity, यहाँ पर तो इसका area infinity हो रहा है, इस वाली term का जो ये लेकर आ रहा है इसका area infinity हो रहा है, ये constant value provide कर रहा है तो इसके एक अलग reason होता है, वो भी बताऊंगा थोड़ी देर पहले। तो अभी तक इतना समझ लो कि अगर मेरा एरिया डिक्रीजिंग है, जो भी मेरे कर्व का एरिया यहाँ पे आ रहा है ए, इसको मैं अलग कलर से बता देता हूं आपको, थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा। ये एरिया, अब ये डिक्रीजिंग एरिया है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन जो मैं इस चीज को यूज करता हूं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब सेकंड चीज समझते हैं, एक डेफिनेशन है उसको जरा समझते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। एक चीज तो ये मैं समझ गया, तो दिस इज माय वन कंडीशन कि मेरा एरिया अगर फाइनाइट आ जाए, मतलब अगर वो लेस देन इंफिनिटी है तो फिर वो मेरा जो सिस्टम है मेरा स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, मेरा स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। अब ये तो मैं एक चीज समझ गया, अब एक है मेरी दूसरी चीज, दूसरी चीज है फॉर अ स्टेबल सिस्टम
फॉर स्टेबल सिस्टम, फॉर स्टेबल सिस्टम रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ ये सर सही नहीं लग रहा है, इसको कैरेक्टरिस्टिक को सही से लिखता हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट लाई ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एस द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको कहां से मिलती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको मिलती है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर से, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर से। रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट लाई ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन, ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल सिस्टम। अब अनस्टेबल सिस्टम कौन सा हो जाएगा? रूट्स लाई ऑन राइट साइड ऑफ एस प्लेन। अब सपोज करो, तो दीज आर टू टू सिस्टम जो कि मैं समझ चुका हूं कि अगर मेरा अनस्टेबल सिस्टम हो गया तो मेरा ये हो जाएगा, और मेरा स्टेबल सिस्टम हो गया तो रूट्स विल लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन। अब व्हाट हैपन इफ द रूट्स लाई ऑन द इमेजिनरी पोर्शन ऑफ द एस प्लेन? दैट विल बिकम योर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ओके, अब वो कहलाएगा मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। रूट्स लाई ऑन इमेजिनरी एक्सेस ऑफ एस प्लेन। इतना समझ गए? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो देयर आर थ्री पॉइंट्स आई हैव डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया फॉर स्टेबल सिस्टम, सेकेंड पॉइंट मैंने डिस्कस किया फॉर अनस्टेबल सिस्टम, थर्ड पॉइंट मैंने डिस्कस किया फॉर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। सो सिस्टम कैन बी डिफाइंड इन थ्री पार्ट्स, वन इज स्टेबल एंड सेकेंड इज नॉट स्टेबल। In the stable, it is you know it is stable. For not stable, are defined in two parts. अच्छा देखो, अभी बताते हैं इस तरीके से। System is divided in two parts. One is stable. Second is not. अब नॉट स्टेबल इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, व्हाट इज दैट? वन इज अनस्टेबल, सेकेंड इज मार्जिनली स्टेबल। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो मैं क्या कहना चाहूंगा कि ये जो चीज है मेरी, देख प्रोबेबिलिटी ऑफ अनस्टेबल इज ग्रेटर देन, ये प्रोबेबिलिटी नहीं, ये मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी मेरा पोल अगर लाई कर रहा है, देखो मैं जैसे बताता हूं आपको एक इसका एग्जांपल, मैं चीज क्यों लिख पा रहा हूं, अनस्टेबल ये होगा मार्जिनली और फिर होगा, हमारा सिस्टम तो स्टेबल ही होना चाहिए, लेकिन ये तो पोर्शन है, मैंने क्यों लिखा है, इसका एक रीजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। अब सपोज करो इसको जरा नोट डाउन कर लो, कल तो
वैसे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ये, तो ये पूरा हैंड रिटन नोट्स आपके पास हो जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सपोज करो, सपोज एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मेरे पास ये मेरा एक्स प्लेन है, I have two of my poles, मेरे जो दो poles है वो है मेरा जो transfer function बन रहा है 1/s s+1, ठीक है। तो मेरे poles कहाँ कहाँ पे आएंगे, मेरे poles कहाँ कहाँ पे आएंगे, एक मेरा pole यहाँ आएगा और एक मेरा pole ये -1 पे आएगा, इसी तरीके से आएंगे ना। अब condition देखो, स्टेबल सिस्टम के लिए लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन, अब एक लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन पे है और एक है मेरा एस प्लेन के ऊपर, इसीलिए मैंने बोला कि अब ये मेरा सिस्टम, अगर एक भी मेरा मार्जिनली स्टेबल पे आ गया, अगर एक भी मेरा मार्जिनली स्टेबल पे आ गया तो मेरा जो सिस्टम है वो मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। दिस इज माई मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, दिस इज माई मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। दिस इज द रीजन आई हैव रिटन दिस दिस इक्वेशन दिस थिंग, कि ये इसलिए है क्योंकि अगर एक भी, अगर चाहे यहाँ पे 10 यहाँ पे स्टेबल सिस्टम के पोल्स हो जाए ना, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि अगर एक भी मेरा पोल अगर मेरा जे ओमेगा एक्सिस पे आ गया तो वो मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे 10 स्टेबल सिस्टम हो जाए लेकिन बस एक यहाँ पे एस माइनस वन हो गया, एस माइनस वन मतलब यहाँ पर मेरा पोल आ गया, तो ये सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इट डजंट मैटर हाउ मेनी पोल्स ऑन द राइट साइड आई हैव देन, ओके। So it doesn't matter how many poles I have on the left side for stability, but if only one pole is lying at the right side of S plane, then my system becomes unstable. Okay. So the one pole is so powerful, it is capable of driving the system towards the unstability. Okay. I hope this point is clear to you. I hope this point is clear to you. Because this is a very important point in stability. If you remember this point, you will easily get any kind of question, you will easily crack any kind of examination. Because this concept is very important. ठीक है? I hope you have understood. मैं शायद एक बना देता हूँ इसके लिए, तो आपको PDF दिखेगा बाद में, तो आपको clear approach हो जाएगी, ठीक है। मैं s+1 के लिए बना दे रहा हूँ यहाँ पर, this is marginally stable system, ठीक है, इसकी बात हो रही है। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब जरा मैं एक लेता हूँ क्वेश्चन, तो फिर या फिर क्वेश्चन नहीं, अपन थ्योरी करते जल्दी जल्दी आज, बिकॉज आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो एक जरा छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन बोली थी उसमें मैंने उसके हिसाब से मैंने क्या बोला था, एक बार उस चीज को और सही से इवैल्यूएट कर लेते हैं। इस तरीके से मेरा सिस्टम था, ये है मेरा सिग्मा, दिस इज माय प्लस जे ओमेगा, ठीक है ना। अगर मेरा रूट यहाँ पर लाई कर रहा है, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, दिस इज माय अनस्टेबल, इफ माय रूट इज लाइंग एट दिस पॉइंट हियर, व्हाट विल हैपन, दिस इज, एंड इफ द रूट इज लाइंग एट दिस पॉइंट, ओके, दिस पर्टिकुलर दिस पॉइंट, दिस इज ठीक है। मैं एक दो एक एग्जांपल और लिख दे रहा हूँ इनके, मैं एक एक एग्जांपल और लिख दे रहा हूँ, इससे इससे आपको और बेहतर अप्रोच मिल जाएगी कि कैसे एक सिस्टम जीएस एडेप्टर, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिख रहा हूँ डायरेक्टली, मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिख रहा हूँ 1/s-1 एग्जाम्पल 1/s s+1, ये भी वही होगा, और यहाँ पर मैं लिखू तो 1/s+1, सो दिस इज अ स्टेबल सिस्टम ऑब्वियसली, ठीक है।
So with this we can easily calculate what is the stable system and what is the marginally stable system. ठीक है, आगे चलते हैं अब. ठीक है, we'll discuss आगे वाले जो portion है. This is a very important portion, the effect of location of roots. Effect of location of roots. I hope जितना अभी तक discuss किया वो हमको पूरा समझ में आ गया होगा. इफेक्ट ऑफ नंबर वन, दिस इज माय जे ओमेगा एक्सिस, यहां पर मेरा रूट लाई कर रहा है. दिस इज माय माइनस ए. अगर ये मेरा माइनस ए है तो मेरा इसका इंपल्स रेस्पॉन्स कैसा हो जाएगा? माइनस ए है सिंपल. देखो देखो इसको अच्छे से समझते हैं. इस वाले को बेहतर तरीके से समझ लेंगे, बाद में मैं सीधा लिखूंगा. ठीक है, अगर ये मेरा रूट है, सपोज करो दिस इज माय रूट, दिस इज माय सिग्मा, दिस इज माय जे, दिस इज माय जे ओमेगा. मैं सिर्फ इसको समझना चाह रहा हूँ. आगे 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 वाली चीजें सेम टू सेम इसी तरीके से कर लूंगा मैं. अब देखो इसको अगर मैं समझना चाहूँ तो इसको अगर मैं एस डोमेन में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एस डोमेन में अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एस डोमेन में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा वन बाय एस प्लस ए. लिख सकता हूँ दोस्तों. इसको मैं टाइम डोमेन में चेंज करना चाहता हूँ. टाइम डोमेन में अगर मैं चेंज करूँ तो ई की पावर माइनस ए टी, ई की पावर माइनस ए टी. ठीक है, अब फॉर अ सिंगल टी, फॉर अ सिंगल टी You just plot this thing. You just plot this thing. इसको कर दो plot. जैसे आप इसको plot करेंगे ना, आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा. आपको मिलेगा इस तरीके का curve. This is exponential curve. This point is your, और exponentially it is decreasing. ठीक है, if you plot this curve, so थोड़ा और बेहतर बना देता हूँ. If you plot this curve, it would be like this. ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंशियल कर्व. और ये जो मेरा हो गया, ये मेरा एक्सपोनेंशियल कर्व की वैल्यू हो गई. अगर मैं ए की वैल्यू को कुछ डाल दू और टी की वैल्यू को चेंज करूं, व्हाट इज दिस? इज माय इंक्रीजिंग इन टाइम. एज टाइम को एक एक सेकंड डाल के देखो, दो सेकंड डाल के देखो, तीन सेकंड डाल के देखो, चार सेकंड डाल के देखो, यही वैल्यू आने वाली है. यूज योर कैलकुलेटर इन इन माई क्लास, बड़ी आसानी से हो जाएगा. डाल के देखो ये प्लॉट आएगा. अगर ये प्लॉट आएगा तो इट इज अ स्टेबल सिस्टम. आई कैन से स्टेबल सिस्टम. कैसे पता चला स्टेबल सिस्टम? दो तरीके से पता चला. पॉइंट नंबर वन, रूट आर लाइंग ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन. रूट्स लाई ऑन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन. एंड सेकेंड पॉइंट इज इट्स एरिया इज डिक्रीजिंग. जो मैंने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो दोनों कॉन्सेप्ट इस पे एप्लीकेबल हो रहे हैं. तो मुझ में ये बता सकता हूँ कि ये मेरा जो सिस्टम है ये स्टेबल सिस्टम हो गया है मेरा. क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जैसे ही ये सिस्टम मेरा स्टेबल हो गया, मैं अब नेक्स्ट सिस्टम पर चलता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबल सिस्टम तो हो चुका है. सेकेंड पॉइंट है मेरा, सेकेंड पॉइंट है मेरा रूट आर लाइक दिस, दिस इज ए. सिमिलरली फाइंड आउट वन बाय एस माइनस ए. एस माइनस ए के बाद ई की पावर ए टी प्लॉट करोगे कैसा हो जाएगा? ये इस तरीके से और ये इस तरीके से बढ़ता. जब ये इस तरीके से बढ़ेगा तो ये जो हो गया e की पावर ए टी यूटी होता है ये. एंड ये जो पिछला वाला था ये. जब ये इस तरीके से बढ़ेगा तो फिर क्या हो गया मेरा सिस्टम? हो गया अनस्टेबल. क्लियर है? बिल्कुल. थर्ड पॉइंट देखते हैं. ये आया
मेरा पोल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, जब मेरा पोल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर क्या है उसकी भैया वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, वन बाय एस को टाइम डोमेन में करूंगा क्या आएगा, यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट का प्लॉट आपको पता है, इट इज कॉन्स्टेंट, इट सो इट मीन्स एंड हेयर इट इज लाइंग एट द जियो मेगा एक्सिस, इट इज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। इट इज अ मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। आई होप जिस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एज यू नो आई एम नॉट टेकिंग दिस क्लास लाइव, सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन जस्ट टेल मी राइट नाउ, मैं या तो कमेंट बॉक्स में कर दूंगा या तो टेलीग्राम में लिंक ग्रुप पे आके आप मेरे से बातें कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो शायद किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा भी था, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। ओके आगे चलते हैं, इन सब चार सबको खत्म कर लेते हैं, इट इज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर देखते हैं कि अगला कोई कॉन्सेप्ट हम पढ़ सकते हैं कि नहीं आज की तारीख में। नेक्स्ट, अगर सपोज करो मेरे पोल हैं यहाँ पर और यहाँ पर, जब मेरे पोल यहाँ पर और यहाँ पर हो गए तो मेरा ये बन जाएगा साइन ऑफ 80। इसका इसका अगर मैं वो करूंगा क्या कहते हैं लाप्लास लाप्लास इसका ये करूंगा, एस डोमेन में लिखना चाहूंगा, दैट विल बिकम ए वाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज योर साइन ऑफ 80, और आपका जो प्लॉट बनेगा इस तरीके से बनेगा। अब वॉट इट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, लेकिन ये रैंडम है, मतलब वेरिएबल वैल्यू है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड इसका कॉन्स्टेंट है, इट इज ऑल्सो अ मार्जिनली क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव मुझे क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर फाइव भी दिस इज ऑल ओके ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरडैम्ड सिस्टम के पोल यही पे लाई कर रहे थे, अंडरडैम्ड सिस्टम के पोल यही पे लाई कर रहे थे, व्हाट इट बिकम्स इसका अगर मैं टाइम डोमेन में निकालू तो इट विल बिकम e की पावर माइनस 80 साइन बी टी, परफॉर्मेंस विल बी लाइक दिस। यहां पे ये डिक्रीजिंग हो रहा है, roots are lying at the left side of S plane, this is a stable system. जल्द जल्दी पॉइंट नंबर सिक्स जल्द जल्दी समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल आराम से चल रहा है। पॉइंट नंबर सिक्स इज इफ द रूट्स द मल्टीपल रूट्स लाई ऑन द दिस एक्सिस, इफ द मल्टीपल रूट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे मल्टीपल रूट है, टू रूट है यहाँ पे, सिंपल सी बात देखो, टू रूट्स आ गए, इट मीन्स इट इज वन बाय एस स्क्वायर, वन बाय एस स्क्वायर को अगर टाइम डोमेन में करूं तो क्या होगा आर टी, अगर आर टी का मैं प्लॉट निकालू तो वो क्या आएगा, रैंप इनपुट, इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है ना, रैंप इनपुट इस तरीके से ही आता है, आरटी का फॉर्मूला यही होता है, आरटी
ये तो अनस्टेबल हो गया ना, देखो ये हो गया अनस्टेबल। यहां पे मैं लिखूंगा एक नोट मेरा, व्हाट इज माय नोट, इफ मल्टीपल रूट्स लाई ऑन जे ओमेगा एक्सिस then the system is unstable। यह आज मेरा एक रूट बन गया, फिर मल्टीपल रूट लाई कर रहे हैं मेरे जी ओमेगा एक्सिस में, देन माय सिस्टम इज अनस्टेबल। ओके जल्दी सी पॉइंट नंबर सेवन, जल्दी सी पॉइंट नंबर सेवन। My point number seven is, ये मेरा है जे ओमेगा एक्सिस, यहाँ पे मल्टीपल रूट्स और यहाँ पर भी मल्टीपल रूट्स। सो दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल सिस्टम, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, इसका हो जाएगा ये टी साइन ऑफ ए टी यू टी, जो आपका जो प्लॉट है वो भी इंक्रीजिंग प्लॉट होगा, तो दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एट, पॉइंट नंबर एट से इसके सपोज करो मल्टीपल रूट्स मेरे इन द राइट लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन आ गए, मल्टीपल रूट आर इन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, व्हाट विल हैपन, इसका जो प्लॉट होगा टी की पावर माइनस ए टी होगा, टी की पावर माइनस ए टी यू टी। इसको प्लॉट करके देखोगे ये कुछ कुछ ऐसा बनेगा, ये बढ़ेगा लेकिन फिर वापस कम हो जाएगा विद टाइम। So overall this is a stable system. पीछे नोट देखे, देखो क्या लिखा, मल्टीपल रूट लाई ऑन जी ओमेगा एक्सिस ओनली, बट हियर इट इज नॉट लाइंग एट द जी ओमेगा एक्सिस, मल्टीपल रूट, सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेबल सिस्टम ओनली, दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेबल सिस्टम। इफ द मल्टीपल रूट लाई ऑन द राइट हाफ इट इज डेफिनेटली अ अनस्टेबल सिस्टम, इट इज डेफिनेटली अ अनस्टेबल सिस्टम। ओके अब देखो एक एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट है शायद ये लास्ट, यस लास्ट, दिस इज माय लास्ट नाइन्थ नंबर, दिस इज इम्पोर्टेंट लास्ट सेकंड लास्ट, देखते कौन सा है। मेरे दो रूट है, एक मेरा लाई कर रहा है जी ओमेगा एक्सिस पे, एक मेरा लाई कर रहा है इधर। इसको अगर मैं इवैल्यूएट करना चाहूंगा तो मेरे क्या की वैल्यू निकलेगी, दिस इज माई के वन प्लस देर है सम कॉन्स्टेंट के वन के टू e की पावर माइनस ए टी, दिस इज माई वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स टाइम 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 डोमेन में। इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा, प्लॉट करने के बाद ये होगा ये कुछ कुछ इस तरीके से, दिस इज माई स्टेडी स्टेट वैल्यू, ये है मेरी, इस तरीके से होगा ये। एक्सपोनेंशियल तो होगा लेकिन वो फाइनली जीरो पे नहीं जा रहा है, एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियल but not reaching zero, so this is also a marginally stable system guys, this is what I have already told you in this portion। इन दिस पोर्शन के मार्जिनली स्टेबल, अगर एक भी रूट आपका जी ओमेगा एक्सिस पर लाई कर गया तो वो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है अभी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वी आर गोइंग वेरी फास्ट एंड दिस इज वेरी गुड। ओके
we are going very fast and this is very good technique that we should learn in this fast manner. काफी बच्चों को अगर थोड़ा सा skip हो गया होगा वापस से देख लेना, because this video is will be very very beneficial for you अगर आपको stability analysis पढ़ना है तो, ठीक है? Everything will there is a reason why I am doing this so fast. I will tell you later. Okay. There is a reason why I am going so fast. I will tell you later, guys. Okay. ठीक है. So if you have understood this concept, this is very good. All these concepts are बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए stability analysis के लिए. This is the effect of location of roots. ठीक है. This is what we have till now learned till now. These are the very important concept. I am going fast, little bit faster because of some reason I will tell you. Okay. Okay. अब थोड़ा सा पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, उसके बाद एक चीज. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. ठीक है, ओके. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी. वन इज अ कंडीशनल स्टेबिलिटी. व्हाट इज द कंडीशनल स्टेबिलिटी? एंड दैट द स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन सम वैल्यू ऑफ गेन व्हिच इज प्रेजेंट इन योर ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं. वन इज अ कंडीशनल स्टेबिलिटी where the stability of a system depends on some value of gain which is in your transfer function. Okay, this is you have one point. Okay, the stability means stability definition likh deta hu. Stability puri definition likh de raha hu main abhi. Ye hai types of stability. ये फर्स्ट है. अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी आउटपुट ऑफ द सिस्टम, आउटपुट ऑफ द सिस्टम मस्ट बी बाउंडेड फॉर the bounded input. ठीक है, this is one definition of stability. Hence the system will be stability. This is bounded input, bounded output stability. इसको कहेंगे ठीक है. So this is one type of stability. Number two is asymptotic stability. What is the asymptotic stability? According to the stability, the output must tend towards zero in the absence of input. Okay, why I am writing these definitions? Because these definitions are very important for your ये सीधी सीधी definition कई बार आपके examination में पूछी जाती है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, ठीक है, इसीलिए मैं इस चीज को लिख रहा हूँ. अब देखो, एक होती है conditional stability. When the stability varies
with the system parameter stability varies with the system parameter and the system is stable for few values of parameter, then it is conditionally stable system. Clear? So these are the three definitions which you kept in, which you must keep in your mind, because these definitions are very, very important for you. These definitions are very, very important for you. After understanding these definitions, we will quickly move towards to another approach of solving of finding a stability, that is the Routh-Hurwitz stability criterion. Routh-Hurwitz stability क्या कहता है. मेरे पास एक मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है Q of S. क्या है मेरी a नॉट s की पावर n प्लस a वन s की पावर n माइनस वन प्लस a टू s की पावर n माइनस टू प्लस आगे चलता गया इस तरीके से लास्ट में आ गया a n. This is my characteristic equation. This is my CH equation. Routh-Hurwitz criteria क्या बोलता है कि मैं बनाऊंगा एक राउथ एरे. राउथ एरे बनाऊंगा भाई मैं. किस तरीके से बनाऊंगा मैं सीधी ऐसे लाइन खींच दूंगा. पहले लाइन खींचने दो फिर बता दो आगे क्या होगा. s की पावर n कर दूंगा. एक मिनट रुको थोड़ा सा साइड पर खींचता हूं क्योंकि उधर भी चीजें यूज करनी है मुझे. इसको मैं s की पावर n This is, इसको इस तरीके से लिखना है a नॉट यहाँ पर सेकंड नंबर पे s की पावर n माइनस वन आएगा a नॉट a वन फिर वहां पे वापस a टू a थ्री a फोर. देखो सीक्वेंस क्या होना चाहिए. इधर से इधर गए. This must be the sequence. A not A one ऊपर से नीचे आया फिर नीचे से ऊपर जाना साइड में A one A two. अब A one के बाद A not से A one आए A one से A two गए. इस तरीके से लिखना है. ये रटना पड़ेगा. इसको रट लो. इसके बाद सारा कुछ नहीं रटना पड़ेगा जिंदगी में. इतनी चीज ध्यान रख लो. अब S की पावर n माइनस टू का टू की वैल्यू है b one ठीक है और ये सेकंड वैल्यू है बी टू. सिमिलरली एस की पावर एन माइनस थ्री की वैल्यू आ गई मेरी क्या सी वन और ये आ गई सी टू. अब मेरी बी वन बी टू सी वन सी टू की क्या वैल्यू रह जाएगी वो मैं बताने जा रहा हूं आपको. बी वन की वैल्यू हो जाएगी ए वन इंटू ए टू
a1 into a2 माइनस में a0 इंटू a3 डिवाइडेड बाय a1. दिस इज द वैल्यू ऑफ माय b1. अब c1 की वैल्यू देखो सिमिलरली होगी b1 इंटू a3 माइनस में b2 a1 माइनस में डिवाइडेड बाय b1. इसी तरीके से अगर मैं b2 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं दैट विल बी a1 a4 माइनस में a1 a4 माइनस में a5 a0 डिवाइडेड बाय c2 विल बी a1 b3 डिवाइडेड बाय. So this is a thing that this you must remember. This is the the formula for finding the Rao Thurvin stability. Okay. अब ये तो मैं समझ में आ गया मुझे भैया कि भाई ऐसे ऐसे होता है. मुझे समझ में आ गया कि भाई ऐसे ऐसे होता है. मैं इस तरीके से मेरा पूरा Rao Thurvin कैलकुलेट कर लूंगा. ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई मस्ट नो कि मैं इस तरीके से अपना Rao Thurvin का मेरा पूरा का पूरा मेरा फॉर्मूला कैलकुलेट कर लूंगा. मेरा पूरा आई विल कैलकुलेट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ माय Rao Thurvin स्टेबिलिटी. ठीक है. उसके बाद देखो अब एक स्टेटमेंट लिखनी है. What is the statement? Statement में पूरी लिख रहा हूँ फिर मैं समझाऊंगा. ठीक है. According to RH criteria for closed loop control system to be stable, for stable system For stable system, it is necessary and sufficient that the condition क्या होनी चाहिए कि आपके all the element of first column of Rao Thurvin जब भी मेरा सिस्टम क्या होगा स्टेबल होगा. ऑल द एलिमेंट ऑफ Rao Thurvin कौन से हो गए? ये वाले सारे. ये सारे क्या हो रहे हैं? Must have same sign. ठीक है. अब दूसरी चीज क्या रह गई? एक चीज और रह गई. नंबर ऑफ साइन चेंज क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ साइन चेंज जितने होंगे ना उतने क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ roots lying
on right side of number of sign change जितने होंगे उतने क्या हो जाएंगे, number of roots are lying on the right side of S plane. एक और पॉइंट लिख लो. दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज माय सेकंड स्टेटमेंट एंड दिस इज माय थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट. क्या कहेगी मेरी स्टेटमेंट? रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस ओनली. अगर मेरे रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो मेरे लाई कर रहे हैं इन इमेजिनरी इक्वेशन ओनली, इमेजिनरी पोर्शन ओनली. इफ roots of CH equation lie on imaginary axis only, then what will happen? If only if ये statement of valid होगी then the entire row of array becomes zero. ठीक है, ये है मेरी फाइनल स्टेटमेंट जो मैं आज बोल रहा हूँ. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन द राउथ एरे. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू मस्ट नो, नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स एंड आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू गाइस. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज वॉट आई हैव स्टड, काफी सारी चीजें बताई है मैंने आज आपको स्टेबिलिटी के बारे में. आई होप यू हैव एंजॉयड इट, आई होप यू विल एंजॉय माई क्लासेस फर्दर. एंड आगे के लिए अब इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, एक अच्छी खबर थी और एक बुरी खबर थी. अच्छी खबर ये थी कि हमने एक नई जगह कोलैबोरेशन किया है. सो फ्रॉम टुमारो और आई डोंट नो आई विल बी टीचिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड सो उसके लिए फिर हम आपसे अलग तरीके से डिस्कस करेंगे. अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि मैं कहाँ पे क्लासेस लेने वाला हूँ और किस तरीके से क्लासेस आगे और चलेगी. ठीक है, दिस इज माई टेलीग्राम लिंक. ठीक है, आप मुझसे पूछ लीजिए आगे किस तरीके से क्लास चलेगी. एंड वी आर स्टॉपिंग द एसएससी जेईएन सीरीज आल्सो, वी आर स्टॉपिंग द एसएससी जेईएन सीरीज आल्सो बिकॉज हमने, हमारा ये था कि 30 तक एग्जामिनेशन होगा और 30 तक के लिए हमने प्लानिंग करी थी एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टॉपिंग द एसएससी जेईएन सीरीज एंड वी आर स्टार्टिंग सम न्यू थिंग्स आल्सो. आई विल, प्लीज कम इन माय ग्रुप, आई विल लेट यू नो देयर. ओके, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू थिंग्स आल्सो. So please come here and I will tell you everything about it. And thank you so much for being a part of this video, guys. Thank you so much, guys. Thank you. Bye bye. And have a good day. अच्छे से रहिए, बिल्कुल हाथ वाथ धोके रहना, साफ रहना, शुद्ध रहना. कोरोना वायरस हो रहा है, जो फैल रहा है, अच्छे से रहना, अपने ध्यान रखना और काफी अच्छे से आप पढ़ाई करते रहो. और अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप तो आपको पता ही है, यहाँ पर आकर मुझसे डिस्कस करना. आगे की क्या प्रोसीडिंग्स रहेगी, आगे मैं कहाँ क्लास लेने वाला हूँ, कंट्रोल सिस्टम का क्या होगा, ये आप मुझसे आके पूछ सकते हैं इन माय टेलीग्राम ग्रुप. ओके, थैंक यू सो मच गाइस.